को ये पता नहीं है कौन आएगा, ये समझ लीजिए। एक सुनिए, योगी जी आए, हमको सिलेंडर दिए बिना पैसे का, आए अब 1000 रुपये क्यों लेते हैं लोग, तो कहाँ से अब जो लकड़ी खोजते हैं ये कहाँ जरा गए, कहाँ मुझे मिलता ही नहीं है, क्या करे बताइए आप ही। तो जो भी अगर जो गोबरे काटना है तो काटे, कोई भी सरकार हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं कहीं घर। अभी हम लोग मौजूद हैं बलिया जिला के फेफना विधानसभा क्षेत्र में, जहां योगी के कार्यकाल के बारे में इन लोगों से जानकारी लेंगे कि इनका कार्यकाल अच्छा रहा या कैसा रहा, इन लोग से ही सीधा जानकारी लेंगे। तो आइए मिलते कुछ लोगों से, बात करते। क्या नाम है भैया? सोनू नाम है। क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं यूपी में, प्रियंका, अखिलेश, मायावती या फिर योगी जी? अब देखिए कौन आ रहे हैं, पब्लिक के ऊपर है। योगी जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? हमको कुछ अच्छा नहीं लगा। अखिलेश जी का? उनका ठीक लगा था। उससे पहले मायावती जी? उनका भी ठीक था। अखिलेश जी का क्या अच्छा लगा आपको? अखिलेश जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई जो उसी के अकॉर्डिंग में भाजपा चला रही है, उसको तब्दील कर रही है कि नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए, वही बात है। यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य कैसा? शिक्षा स्तर यहाँ पे बहुत डैमेज हो चुका है और एजुकेशन का भी वही हाल है। फिलहाल कल नीति आयोग का रिपोर्ट आया कि यूपी को स्वास्थ्य विभाग में 19वां स्थान दिया गया है, इसके लिए क्या कहना था? 19वां स्थान उन लोगों ने दिया है, इनको तो स्थान देने योग्य नहीं है। यहाँ पे जाके आप जिला अस्पताल में देखेंगे ऐसी व्यवस्था है कि कुछ कहिए मत, सब चीज रहते हुए भी कुछ नहीं मिल रहा है, व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। केवल तो बता रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था अच्छी होगी, अभी समय चुनाव आया है, इस वजह से लोग कुछ कार्यकर्ता जो आए अच्छे से काम कर रहे हैं अपना। चुनाव के समय व्यवस्था अच्छी कर, व्यवस्था अच्छी कर दे। आप यहाँ से जाइएगा बलिया तक, रास्ता देख लीजिएगा। NH है? हाँ, NH 31 है। ये NH 31 का हाल बदहाल है, हाल बेहाल है, इसका कहिए मत। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? हाँ बाबा, क्या नाम हुआ? बंका चौधरी। क्या लगता है आपको, अखिलेश जी आएंगे या योगी जी? हमको ये पता नहीं है कौन आएगा, ये समझ लीजिए। एक सुनिए, योगी जी आए, हमको सिलेंडर दिए बिना पैसे का, आए अब 1000 रुपये क्यों लेते हैं लोग, तो कहाँ से अब जो लकड़ी खोजते हैं ये कहाँ जरा गए, कहाँ मुझे मिलता ही नहीं है, क्या करे बताइए आप ही। तो जो भी अगर जो गोबरे काटना है तो काटे, कहीं मैं कहते तो कोई भी सरकार हो, वो खाली भरमाना है। अरे आपका गोदी कहते हैं, सुनिए आप यदि ओरिजिनल जांच करते हैं तो सरकार सही नहीं है, सरकार सही नहीं है, नहीं है, पूरी की पूरी क्लियर है। ये लोग पिक्चर जैसे पिक्चर देखते हैं ना सुने, वही हालत है इन लोगों का, नया वाला हाल। हाँ बाबा, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य कैसा व्यवस्था? शिक्षा, अरे वैसे शिक्षा का देख ही रहे हैं, ये लड़का लोगों के लॉकडाउन में बोल मास्टर को बैठे बैठे तनख्वाह देना, स्कूल को लॉकडाउन करके कोरोना के नाम पे बंद कर दिया जाता है, चुनावी रैली को बंद नहीं किया जाता है। चुनावी रैली होंगे तो कोरोना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, चुनाव खत्म तो कोरोना आ जाए, नहीं आ जाएगा। आपको सरकार के द्वारा क्या क्या और लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? लाभ लाभ से भी मिला था, वो सरकार में खा लिया, मैं इसको खरीदते से 100 रुपये में, अरे अभी 100 रुपये लग रहा है, कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है खाद? कितना मिला है खाद? 400 रुपया यूरिया का हो गया है, और DAP? DAP हो गया है 1150, 1230 रुपया। अखिलेश के राज में कितना में था? बहुत कम था। फिलहाल कितना? अब चला गया, जब बुढ़ापा में हमको रहता है, 800 के आसपास था। हाँ यही था, बहुत कम था बाबू। अभी कुछ युवा लोग हमसे भी बात करते हैं, ये मीडिया वाले जो है ये लोग भी बिक्री हो गए, मीडिया भी मीडिया बिक्री हो गया है। कौन है, स्टूडियो वाली मीडिया या सड़क वाली मीडिया? अरे नहीं, अब हम क्या कहें, जो ये टीवी में देखते हैं ना, स्टूडियो वाली मीडिया, ये समझे क्या बता रहे, ये लोग देखिए, लोग गुस्सा मीडिया के ऊपर भी है क्योंकि स्टूडियो में बैठ के दिखा देते हैं यूपी का विकास। क्या नाम हो भैया? बोलिए बोलिए बोलिए, तो
बोलो यादव। वो भी देखिए जितना गणेश जी पास किए है उसी का काम करा रहा है, उसी का काम करा रहा है। आज अपने लोग जो भाषण दिए लोग कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, वो नहीं कभी उद्घाटन कहीं किया लो, काम कराया लो। आएंगे योगी या अखिलेश? अरे जी अखिलेश ले तब न आएंगे, हमारे लेवल से नहीं ना जाएंगे जनता को। आप किसको लाना चाहते हैं? आप किसको लाना? हम तो अखिलेश को लाते हैं। ऐसे ही इंडिया में हिंदुस्तान में वैसा नेता कोई पैदा नहीं हुआ है कम उम्र में। शिक्षित जो शिक्षा उसके पास है और वो जैसा चाहता है और जो कहता है वो करता भी है। आप कहना चाहते हैं कि 22 में 22 दिन? 22 में वो आ जाता ना तो दिखा देगा जो है कैसा राज चलाना चाहिए। और भी कुछ लोग बात करते, क्या नाम हो भैया? क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार गिरी। अखिलेश जी का कार्यकाल अच्छा था या योगी जी का? अरे सर ये मैं बता नहीं सकता इसके बारे में। आप बिना पैसा का लो बांटने से हो जाएगा। कपड़े बांटो, हर चीज बांटो दो। आपको मकान का पैसा मिला है कि नहीं इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास के नाम से? अरे कहाँ हमको मिला, अरे भाई दिला दो, दिला दो। चलो देखो उसने नाम रहते हैं हम लोग बुढ़ा बुढ़ी। मोदी जी तो कह रहे थे कि 22 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। भदोरी वाला चुप रहो, तेरी मैया कहते दो कौन सा है जो हमसे बात पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं बिल्कुल कहते हैं। देखो बाबा इतना गुस्सा मत, आप शांत हो जाइए। नहीं 22 कहते हो तो कहो, हम गाड़ी देंगे कहा नहीं देंगे। हमारा हमारा चाचा है, हमारा चाचा है, अलग है।